हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो इंडियन नेवी की तरफ से जो आप सभी के लिए रिक्रूटमेंट जारी की गई उसके बारे में। हाँ तो फ्रेंड्स, आप सभी को हम बता दें कि HSR NEE के लिए इंडियन नेवी की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो यदि आप सभी इसके लिए एलिजिबल है तो आप इस फॉर्म को जरूर अप्लाई कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आप सभी को हम पूरे डिटेल्स में यहाँ पर बताते हैं कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस एंड यहाँ पर एज क्राइटेरिया क्या रखा गया है। क्या यहाँ पर सबका एडमिट कार्ड आएगा, जो 10+2 में 60% जो भी कैंडिडेट की यहाँ पे परसेंटेज कम है, ठीक है, क्या उन लोगों का भी यहाँ पे एडमिट कार्ड आने वाला है। तो फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, आप लोग इस वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आप सभी को हम यहाँ पे जो नोटिफिकेशन में दे रखा है आप सभी को पूरे डिटेल्स में हम बताते हैं। तो फ्रेंड्स, आप सभी को ऑलरेडी स्क्रीन पे देखने को मिल रहा होगा यहाँ पे जो नोटिफिकेशन जारी किया गया, ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, ठीक है। द इंडियन नेवी की तरफ से ये जारी किया गया, इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ऑन मैरिड मेल कैंडिडेट्स फॉर इनरोलमेंट एज सेलर फॉर आर्टिफिशियर अप्रेंटिस डबल है सीनियर सेकेंडरी रिक्रूटमेंट HSR के लिए अगस्त 2022 बैच के लिए जो वैकेंसी आप सभी के लिए जो है फ्रेंड्स जारी की गई है। यहाँ पे एलिजिबिलिटी कंडीशन की हम बात करें फ्रेंड्स, तो आप सभी को ऑलरेडी स्क्रीन पे यहाँ पर दिख रहा होगा, ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फॉर ऑन मेरिट मेड कैंडिडेट्स हु फुलफिली एलिजिबिलिटी कंडीशन एज लेड डाउन बाई द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यानी आप सभी को बता दें कि यहाँ पे यदि हम टोटल वैकेंसी की बात करें तो यहाँ पे आप सभी के लिए वैकेंसी डबल ए के लिए 500 निकल कर आ रही है एंड HSR के लिए यहाँ पे वैकेंसी जो है 2000 निकल कर आ रही है। यदि हम टोटल ऐड करेंगे तो आप सभी के लिए रिक्रूटमेंट 2500 यानी 2500 पे वैकेंसी आप सभी की जो है इंडियन नेवी की तरफ से जारी की गई है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में समझा रखा है। तो फ्रेंड्स, यदि आप लोग डबल ए में फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो आप सभी को ऑलरेडी यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा, दे रखा है, सब सब मेंशन कर चुका है, ठीक है। क्वालिफाइड 10+2 एग्जामिनेशन एंड 60% ओके, और मार्क्स इन द मैथ्स एंड फिजिक्स एंड एट लीस्ट ऑन दीज सब्जेक्ट केमिस्ट्री बायोलॉजी कंप्यूटर साइंस फ्रॉम द बोर्ड्स ऑफ स्कूल एजुकेशन रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यानी फ्रेंड्स, आप सभी को हम बता दें कि आप सभी को ओवरऑल 10+2 में 60% होने चाहिए एंड इसके साथ में आप सभी को फ्रेंड्स फिजिक्स एंड मैथ में भी आप सभी को 60% होने चाहिए, तभी आप लोग जो है डबल ए के लिए जो है एलिजिबल हैं, ओके। तो आप लोग यहाँ पे फ्रेंड्स देख सकते हैं। यदि हम यहाँ पे फ्रेंड्स बात कर ले HSR के लिए, तो आप लोगों को बता दें कि यहाँ पर 10+2 एग्जामिनेशन विथ मैथ एंड फिजिक्स एट लीस्ट ऑन दीज सब्जेक्ट केमिस्ट्री बायोलॉजी कंप्यूटर साइंस फ्रॉम द बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यानी फ्रेंड्स, आप सभी को इसमें कोई कंडीशन नहीं रखा गया कि आप सभी को इतना परसेंटेज चाहिए HSR के लिए, ओके। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, साफ साफ जो है नोटिफिकेशन में मेंशन कर चुका है। उसके बाद यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो जाता है फ्रेंड्स कि इसमें जो है एज लिमिटेशन मिला है या नहीं मिला है, इसमें एज के बारे में दे रखा है। तो आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हैं, एज कैंडिडेट शुड बी बॉर्न बिटवीन 1 अगस्त 2022 टू 31 जुलाई 2005 के बीच आप सभी को एज होनी चाहिए। यानी आप सभी को 1 अगस्त से फ्रेंड्स 1 अगस्त 2002 ओके 2002 से 31 जुलाई 2005 के बीच यदि आप सभी का एज है तो आप लोग इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है, वरना आप इस फॉर्म के अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ओके। उसके बाद यहाँ पर पे एंड अलाउंसेस के बारे में दे रखा है कि आप सभी को फ्रेंड्स जो है इसमें सैलरी कितना रहने वाली है, ओके। यहाँ पर ड्यूरिंग द इंटरनल ट्रेनिंग पीरियड में, तो स्टाइपेंड के रूप में आप सभी को ट्रेनिंग पीरियड में फ्रेंड्स जो है 14,600 रुपये आप सभी को यहाँ पर ट्रेनिंग पीरियड में मिलने वाला है, ओके। उसके बाद फ्रेंड्स, आप लोग जब ट्रेनिंग यहाँ पर कंप्लीट कर लेंगे तो आप सभी को लेवल 3 का जो है यहाँ पर सैलरी लगने वाला है, जो कि यदि हम बेसिक पे की बात करें तो 21,700 आप सभी को फ्रेंड्स यहाँ पर जो है मिलने वाला है, ओके। 21,700 से लेकर 69,100 के बीच आप सभी को सैलरी रहने वाला है एंड यहाँ पे MSP आप सभी को जिसको हम बोलते हैं मिलिट्री सर्विस पे, वो 5,200 रुपये यहाँ पे रहने वाला है किनको, तो HSR को, ठीक है। इसके अलावा यदि हम डबल ए की बात करें तो फ्रेंड्स अलग से डबल ए को जो होता है फ्रेंड्स 6,200 रुपये अलग से यहाँ पे दिया जाता है, ओके। उसके बाद यदि हम प्रमोशन की बात करें फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आप सभी को हम बता दें कि प्रमोशन में आप सभी को फ्रेंड्स यहाँ पे 47,600 से लेकर 1,51,100 के बीच आप सभी को इसमें प्रमोशन होने वाला है और इसमें MSP आप सभी को 5,200 रहने वाला है, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद और सब फ्रेंड्स जो है आप सभी को और बहुत अलाउंसेस इसमें देखने को मिल जाते हैं, जो कि आप सभी को आगे हम बताने वाले हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स दे रखा है और जो भी आप सभी को बेनिफिट मिलने वाला है आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ड्यूरिंग द इंट्री पीरियड ऑफ ट्रेनिंग एंड देयर फोर सेलर्स आर गिवन बुक्स रीडिंग मटेरियल यूनिफॉर्म फूड एंड एकोमेशन एज पर इंटरटेनमेंट। यानी फ्रेंड्स, आप सभी को फूड खाने का जो भी चीज़ें हैं बुक्स वगैरह रीडिंग करने के लिए पढ़ने के लिए सब जो है ने भी उपलब्ध करवाएगी आप सभी को। उसके बाद आप सभी को इसमें सेलर
आर इंटेंडेड टू मेडिकल ट्रीटमेंट लीव ट्रेबल कॉन्सेशन फॉर सेल्फ एंड डिपेंडेंट्स ग्रुप्स हाउसिंग बेनिफिट्स एंड अदर प्रेवलेंस सेलर्स। यानी फ्रेंड्स आप सभी को बता दें कि आपके ऊपर जो भी डिपेंडेंट है मम्मी पापा भाई बहन जो भी है उन सभी को यहाँ पे मेडिकल भी फ्री रहने वाला है। उसके साथ में आप सभी को यहाँ पे अदर अलाउंस भी देखने को मिल जाएगा जो कि यहाँ पे दे रखा है। सेलर आर एल्सो प्रिविलेजिंग द एनुअल एंड कैजुअल लीव यानी छुट्टी आप सभी को यहाँ पे रहने वाला है। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस आप सभी को देखने को मिल जाएगा बच्चों को पढ़ाई के लिए ओके। उसके बाद हाउस रेंट अलाउंस आप सभी को मिलेगा। पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स आप सभी को इंक्लूड पेंशन भी इसमें रहने वाला है जो कि आप सभी के लिए यहाँ पे फ्रेंड्स बहुत सारे यहाँ पे बहुत अच्छे आप सभी के अलाउंसेस देखने को मिल जाते हैं। आप सभी के लिए यहाँ पे फ्रेंड्स काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी है। यदि आप सभी 10+2 पास आउट है तो आप लोग यहाँ इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम बातें कर रहे थे फ्रेंड्स इंश्योरेंस कवर करती है इंडियन नेवी आप सभी को 50 लाख का ठीक है, तो जो कि आप लोग देख सकते हैं आप लोग ठीक है। सेलेक्शन क्राइटेरिया की बात करें फ्रेंड्स तो यहीं पे जो है दिक्कत है आप सभी को कि परसेंटेज बेस पे आप सभी को यहाँ पे इंडियन नेवी कॉल देने वाले जो कि स्टेट वाइज यहाँ पे शॉर्ट लिस्टिंग करेगी। उसके बाद जो है फ्रेंड्स आप सभी को यहाँ पे कॉल देने वाले जो कि आप लोग यहाँ पे साफ साफ देख सकते हैं मेंशन कर चुका है। शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट वुड बी बेस्ड एग्रीगेटेड परसेंटेज ऑब्टेंड इन द फिजिक्स मैथमेटिक्स एंड एट लीस्ट ऑन द सब्जेक्ट केमिस्ट्री बायोलॉजी कंप्यूटर साइंस इन द यहाँ पे क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन 10+2 शॉर्ट लिस्टिंग विल बी क्राइड आउट स्टेट वाइज। यानी फ्रेंड्स आप सभी को बताते हैं कि यहाँ पे स्टेट वाइज शॉर्ट लिस्टिंग करने वाले हैं इंडियन नेवी जो कैंडिडेट के ज़्यादा परसेंटेज होंगे उन्हीं को यहाँ पे कॉल आने वाला है। तो फ्रेंड्स इस पर हम एक वीडियो अलग से बना देंगे जो कि आप सभी को पूरी डिटेल्स में हम बता देंगे कि कौन कौन कैंडिडेट यहाँ पे फॉर्म अप्लाई करेंगे एंड यहाँ पे स्टेट वाइज कितना कट ऑफ जाने वाला है जो कि आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं ओके। उसके बाद आप सभी को फ्रेंड्स यहाँ पे ऑलरेडी दे रखा है उस नोट में आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हैं। इन केस वियर कैंडिडेट हैविंग स्मॉलर परसेंटेज एक्सीड द शॉर्ट लिस्टिंग ठीक है, शॉर्ट लिस्टिंग करके आप सभी को यहाँ पे कॉल लेटर आने वाला है। आप सभी को ऑफलाइन मोड में एग्जाम होने वाला है जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ऑन कॉमन एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड फॉर AASSR एंट्री। उसके बाद द क्वेश्चन पेपर विल बी द बिलिंगुअल हिंदी एंड इंग्लिश एंड ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आप सभी को यहाँ पे रहने वाला है जो कि 10+2 लेवल का आप सभी को यहाँ पे पूछा जाएगा। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की बात करें PFT का फिजिकल फिटनेस टेस्ट का तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप सभी की क्वालिफाइंग नेचर का रखा जाएगा PFT ओके, जो कि आप सभी को 1.6 किलोमीटर की रनिंग कंप्लीट करने होगी 7 मिनट में। उसके बाद आप सभी को 20 स्क्वाट्स लगाने होंगे, उठक बैठक बोलते हैं उसको। उसके बाद आप सभी को 10 पुशअप लगाने होंगे ठीक है, ये क्वालिफाइंग नेचर का। उसके बाद आप सभी को फ्रेंड्स जो है यहाँ पे मेरिट लिस्ट फॉर AASSR विल बी प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑफ परफॉर्मेंस इन रिटन एग्जामिनेशन सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग फिजिकल फिटनेस टेस्ट। यानी फ्रेंड्स आप सभी को हम बता दें कि यहाँ पे आप सभी को यदि AA के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहेंगे तो यहाँ पे 500 सीट AA में, तो वहाँ पे फ्रेंड्स फिजिकल के लिए कॉल वहाँ पे मेडिकल के लिए वहाँ पे फ्रेंड्स 600 कैंडिडेट को बुलाएगी यानी 100 कैंडिडेट यहाँ पे ज़्यादा बुला रही है मेडिकल के लिए ठीक है इंडियन नेवी। उसके बाद आप लोग 25 सीट है किसमें 2000 सीट है फ्रेंड्स SSR में, तो यहाँ पे 25 कैंडिडेट को बुलाएगी यानी 500 ज़्यादा कैंडिडेट को फ्रेंड्स बुला रही है इसमें इंडियन नेवी ठीक है मेडिकल के लिए यानी फाइनल मेडिकल के लिए INS चिल्का में। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कॉम्पिटिशन कितना रहने वाला है ओके। उसके बाद यहाँ पे मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में दे रखा है जो कि आप सब यहाँ पे पढ़ सकते हैं। उसके बाद ट्रेनिंग पीरियड के बारे में दे रखा है, ट्रेनिंग एंड इंटेल इंगेजमेंट के बारे में आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं। डिस्चार्ज से संबंधित जो भी चीज़ें इसमें है और फ्रेंड्स दे रखा है आप सभी को यहाँ पे जो है कितनी साल की जो है सर्विस रहने वाली है वो इसमें जो है मेंशन कर चुका है। उसके बाद यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में दे रखा है जो कि आप लोग यहाँ पे रीड आउट कर सकते हैं फ्रेंड्स ओके। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आप सभी को कॉल आने वाला है एग्जामिनेशन के लिए 2022 में आप सभी को यहाँ पे कॉल आ जाएगा एग्जाम के लिए जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं एंड ऑफलाइन मोड पे आप सभी को होने वाला है। हाउ टू अप्लाई, आप लोग कब इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं तो यहाँ पे साफ साफ मेंशन कर चुका है। फॉर दिस एंट्री द कैंडिडेट्स कैन अप्लाई ऑनलाइन ओनली ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट www.joinindiannavy.gov.in पे। आप लोग 29 मार्च यहाँ पे 29 मार्च 2022 से 5 अप्रैल 2022 तक आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते ओके। आप सभी को फोटोग्राफ से ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आप सभी को रिसेंट गुड क्वालिटी का फोटो आप सभी को होनी चाहिए जो कि कलर फोटोग्राफ विथ ब्लू बैकग्राउंड आप सभी को होने चाहिए, अपलोड वहां पे करना होगा ओके। उसके बाद जो भी चीज इसमें दे रखा है ठीक है वो काम करना ही है। एक हम अलग से वीडियो आप सभी के लिए ला देंगे फ्रेंड्स जो कि परसेंटेज बेस पे कि यदि आप सभी को जो है कितना परसेंटेज है तो आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और कितना परसेंटेज वाले नहीं कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि कोई भी लेटेस्ट अपडेट निकल कर आता है तो फ्रेंड्स सबसे पहले आप सभी को जो इन्फॉर्मेशन दे देंगे। तो फ्रेंड्स मेरा नेक्स्ट वीडियो आने वाला रहेगा परसेंटेज बेस पे कि कितने परसेंटेज वाले जो है इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और कितने परसेंटेज वाले नहीं कर सकते हैं क्योंकि स्टेट वाइज इंडियन ने भी जो है यहाँ पे शॉर्टलिस्ट करने वाली है। तब तक फ्रेंड्स जय हिंद।